brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश और कांग्रेस के लिए अमेठी की सीट अभी भी पेचीदा बनी हुई है। वजह साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इंतजार अमेठी की जनता कर रही है और इस पे सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं। हमारे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और कहीं ना कहीं अमेठी की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। दीपक जी, जिस तरीके से लगातार अभी तक माना जा रहा था राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, कल नॉमिनेशन भी हो जाता है, अब भी क्या क्लियरिटी है? चूँकि अब कन्फ्यूज़न है कि वो नहीं लड़ेंगे अमेठी से। देखिए, अमेठी से मुझे लगता है जो अमेठी का हर नागरिक है वो राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहा है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से जो उनका नाता है वो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, और खड़गे जी ने भी ऐसा कहा था जब राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू में अमेठी आए थे एक रैली के माध्यम से, कि राहुल गांधी जी का रिश्ता राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक मजबूती के साथ रहा है और उन्होंने हर रिश्ते को निभाया है। तो अफवाहें कुछ भी हो, हम तो मानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने उस रणनीति में कामयाब रही है कि जिस तरह से साउथ के दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह साफ कर दिया है, उत्तर भारत के बचे हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने की रणनीति थी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की बातें बोल रहे थे, आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार कर रहे थे खत्म करने को लेकर, कई सारे जातियों धर्मों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, वो सब बैकफुट पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के उस तपस्या से, राहुल गांधी जी के उस संघर्ष से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी, और मैं यकीन है राहुल गांधी जी आएंगे। लेकिन साउथ के जब इलेक्शन ओवर हुए एक तरीके से वायनाड का, और उसके बाद जो आप लोगों का इंतज़ार है, ऐसा नहीं लगता बहुत लंबा हो गया है? क्योंकि माना जा रहा था 26 के बाद 27, 28, 29 और 30 तक राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और लोगों को भी इसका बहुत इंतज़ार था। हमें अभी भी इंतज़ार है और भरोसा दोनों है। हर अमेठी वाले को इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे। जो जीत का रिकॉर्ड है सर्वाधिक जीत से जीतने का, वो अमेठी इस बार बनाएगी। और सबको इस बात का भरोसा है, चाहे किसी पार्टी का हो, कि राहुल गांधी जी ने जो अमेठी में भाजपा ने अहंकार किए हैं, भाजपा ने यहाँ के विकास छीने हैं, अमेठी के लोगों का अपमान किया है, उसके बदला अमेठी वाले लेना चाहते हैं। जो हमसे पिछली बार गलतियाँ हुई थी, हम सब मिलकर उसे भुलाना चाहते हैं। दीपक जी, एक सवाल ये भी कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर कोई पैराशूट लैंडिंग हो जाए और एक नया कैंडिडेट अमेठी के लिए खड़ा हो जाए, जिस तरीके से अभी के हालात बन रहे हैं। देखिए, पैराशूट लैंडिंग जैसी कोई स्थिति नहीं होती। यहाँ खून का रिश्ता रहा है। राजीव गांधी जी के शहादत के पहले राजीव गांधी जी का जो खून गिरा था इसी धरती पर गिरा था। काफ़ी पुराने संघर्ष का इतिहास रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है। सांसद होते हुए स्मृति ईरानी जी जब कोविड के समय गायब थी, उनके पोस्टर चिपका दिए गए थे गुमशुदा वाले, 1.5 साल आई नहीं थी, यहाँ पर दिशा की बैठक नहीं हुई 2 साल तक कोविड काल में, तब भी राहुल गांधी जी अमेठी आए, तब भी राहुल गांधी जी के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री, दवाइयाँ, लोगों के टिकट देकर ट्रेन पर बैठा कर लोगों को अमेठी वापस भेजा गया जब कोई सुन नहीं रहा था। तो एक बड़ा मजबूत प्रेम का, मोहब्बत का बड़ा रिश्ता है, जिसमें ना कोई लैंडिंग है ना कोई, जब भी राहुल गांधी जी आएंगे उनका लोग स्वागत करेंगे, नॉमिनेशन करके चले जाएंगे, तो अमेठी के परिवार ने ये भी ठाना है कि सिर्फ नॉमिनेशन करके राहुल चले जाएं, अमेठी के लोग ने चुना लाएंगे।